हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लिख रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चंस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आप चाहें तो मुझे मेरे दूसरे चैनल तरसर व्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वट इज द शेप ऑफ ब्यूटी टू क्योंकि इस पॉइंट की बिगनिंग ही ऐसी होती है तो यहाँ पर शेप ऑफ ब्यूटी आपके लिए क्या करती है तो द शेप ऑफ ब्यूटी रिमूव डार्कनेस फ्रॉम फ्रॉम अवर स्पिरिट्स हमारी जो स्पिरिट है आत्मा है वहां पर जब डार्कनेस डार्कनेस में क्या होता है हम लोग खराब काम गलत काम करने लग जाते हैं तो कोई भी जो ब्यूटीफुल थिंग है उसकी जो शेप है वो उस डार्कनेस को रिमूव कर देती है यानी हमें अच्छा रास्ता दिखा देती है क्वेश्चन टू है वट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ड्राइव अवे द डार्कनेस फ्रॉम अवर लाइफ क्या चीज ऐसी है जो हमारी लाइफ से डार्कनेस को दूर कर सकती है तो वो यहां पर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट अगर आंसर देखिए वो कहते हैं ब्यूटी इन एनी शेप ब्यूटी जो होती है वो चाहे किसी भी शेप में हो तो वो आपकी लाइफ से सैडनेस को दूर कर सकती है डार्कनेस को दूर कर सकती है सैडनेस इज इक्वल टू डार्कनेस हियर क्योंकि दोनों नेगेटिव चीजें हैं अब चलते हैं क्वेश्चन थ्री के लिए व्हाट ड सिंपल शीप सिंबलाइज सिंपल शीप जो है वो किसी को सिम्बोलाइज करते हैं तो सिंपल शीप जो सिंबोलाइज करेंगे वो इनोसेंट ब्यूटी लाइक ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स की तरह जो इनोसेंट बिल्कुल मासूम या नादान ब्यूटी है

वट इज द मिड फॉरेस्ट प्रीक रिच विद किसके साथ जो है बहुत रिच है फुल हैं मतलब मिड फॉरेस्ट प्रीक तो जो मिड फॉरेस्ट प्रीक है वो फुल हैं किसके साथ फ्रेग्रेंट मस्करोज फ्लावर्स यानी वहां पर मस्कर बहुत सारे फ्लावर्स हैं ब्लूम कर रहे हैं उनके साथ भरे हुए हैं या वो एरिया ऐसा है जो बिल्कुल इन द मिडल द फॉरेस्ट आप कह सकते हैं और वहां पर जो फाउंटेन्स के आस पास का एरिया है वो बिल्कुल फुल है मस्करोज के फ्रेग्रेंस के साथ और फ्लावर्स के साथ वट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेंज ऑफ द डूम ग्रेंजियोअर ऑफ द डूम का मीनिंग आपको बताना है इसका क्या मतलब है तो यहां पर पोइट क्या कहना चाहते हैं इट मीन्स द ग्लोरी एंड मैग्निफिकेंस दैट द डेड आर एंटाइटल्ड टू ग्लोरी और मैग्निफिकेंस जो हम कह सकते हैं कि जिसके लिए डेड जो है वो एंटाइटल्ड होते हैं वो है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्योंकि तो देखिए जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है तो उनके लिए हम कह सकते हैं ग्लोरी उनको दी जाती है उनको याद किया जाता है अच्छी या पॉजिटिव वे से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के रिवर्डर्स एन एनलेस फाउंटेन ऑफ मोटर ड्रिंक रेफर टू इट टू एन एनलेस सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड द एवर लास्टिंग जॉय तो दो चीजें आती हैं एक तो कभी ना खत्म होने वाला मोटिवेशन हमें मिलता है और एवर लास्टिंग जॉय यहां मिलता है आप चलते हैं क्वेश्चन एट के लिए हाउ डज ब्यूटी लीव एन इनडेलिबल इम्प्रिंट ऑन अवर माइंड जो ब्यूटी है वो कैसे हमारे ऊपर एक कभी ना खत्म होने वाला एक इम्प्रिंट छोड़ती है तो यहां बताया गया इट इज नेचुरल क्या चीज नेचुरल की ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स वंस व्यूड जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो वो हमारे माइंड में ट्रेजर कर जाती है ट्रेजर क्या होता है स्टोर कर जाती है एंड वो प्रोवाइड करती है एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड रिस्पाइट इन अवर ग्लूमी डेज और कई बार क्या होता है हम अपने सैड डेज में होते हैं ग्लूमी का मतलब होता है जब अब खराब टाइम आपका चल रहा होता है उस टाइम आपको वो चीज रिलैक्स करती है रिस्पाइट एंड ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो इट मीन्स ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आते हैं एनहेंस ब्यूटी leaves एंड indelible indelible होता है जो कभी ना खत्म हो एक ऐसा इम्प्रिंट एक ऐसा निशाना आपके माइंड पे छोड़ती है इन द फॉर्म ऑफ स्वीट ड्रीम्स जब आपको सुंदर सुंदर सपने दिखते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ ए ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट सो सूथंस अवर टर्बुलेंट माइंड तो इस तरह जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की एक रिफ्लेक्शन है एक उसकी जो परछाई है शेडो है वो आपके जो बड़ा विचलित हुआ मन है टर्बुलेंट क्या होता है जो बड़ा विचलित हो चुका है थोड़ा सा डिस्टर्ब uh, माइंड है उसको सूद करती है उसको काम करती है शांत कर देती है हाउ एक टू द पॉइंट क्वेश्चन नाइन है हाउ एक टू द पॉइंट डज द डार्कनेस इन डेस्पेयर ऑफ लाइफ विदर अवे कैसी जो है डार्कनेस या डेस्पियर डिसअपॉइंटमेंट वाली जो हमारी एक फीलिंग है लाइफ से वो खत्म हो जाती है विदर होता है दूर हो जाती है तो यहाँ जॉन जोन कीट्स कह रहे हैं यानी वो जो बहुत यंग थे मींस व्हेन जॉन कीट्स वाज क्वाइट यंग बिल्कुल यंग थे वो ही हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओर्स ऑफ लाइफ व्हिच मेड हिम रियलाइज सोरोज एंड सफरिंग्स आर द इनएविटेबल ट्रुल्स ऑफ लाइफ तो उसको मींस पोइट को इस बात का एहसास हुआ था जो ये सुख जो भी हमारे दुख होते हैं पेन होती हैं ये एक्चुअल में क्या है ये हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है एंड ही फाउंड रेस्पाइट इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी उनको जो है अच्छा कब लगा जब वो ब्यूटीफुल थिंग को देखते हैं एंड देर टू ही वॉइस इज इज लव फॉर ब्यूटी वेन ई सीज दैट द डार्कनेस एंड द हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस ऑफ लाइफ डिसअपियर्स वो कहते हैं कि देखो वो डिसअपियर हो जाती है जो डार्कनेस होती है होपलेसनेस विथ शेप्स एंड साइट ऑफ ब्यूटी जब आप किसी ब्यूटीफुल थिंग को देख लेते हैं उसकी शेप को देख लेते हैं या उसे वैसे आप देख लेते हैं तो वो आपकी जो नेगेटिविटी वाली फीलिंग है, है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है क्वेश्चन टेन है व लाइन देअ एवरी मोर आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अर्थ किस चीज को सजेस्ट करती है तो जो लाइन सजेस्ट करती है वो है दट एवरी डे वी वीव आर रीड एक हाँ फूलों की माला होती है ऐसे बुनते हैं टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ एक्चुअल में पोइट के कहने का मतलब क्या है कि जैसे मॉर्निंग में हम वॉक के लिए जाते हैं तो इट मीन वी आर गेटिंग अवर सेल्व इन टच विद नेचर तो सच रिलेशन अप विद द स्पीरियड ऑफ लिविंग तो फिर उससे जीने की चाह बढ़ जाती है ऐसे रिलेशन जब आपके डेवलप हो जाते हैं नेचर के साथ तो वेरी पीसफुल एंड प्लीजेंट लाइफ आप बड़ी अच्छी लाइफ जीती हैं फिर क्वेश्चन इलेवन है हाउ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कम्फर्ट कैसी ब्यूटीफुलर एक, एक, एक आराम देती है बावर बावर like क्या होता है शेडी प्लेस होता है एक्चुअलेशन है शेड ऑफ अ ट्री वियर वी कैन रेस्ट जहां पर हम आराम कर सकते हैं द स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ कूल एंड क्लियर वाटर और जो छोटी छोटी नदियां होती हैं ठंडे और साफ पानी की द ग्रीन फॉरेस्ट जंगल अराउंड मेक इट कंफर्टेबल प्लेस फॉर अस टूरिस्ट दस इट गिव्स अट्रीम्स पीस एंड जॉय तो हमें क्या मिलते हैं सुंदर सुंदर सपने मिलते हैं शांति मिलती है मन को और जॉय होता है खुशी मिलती है मन को नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट थिंग्स दैट को सफरिंग एंड पेन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको सफरिंग या पेन देती है पीड़ा देती हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा ट्रबल करके रखती हैं तो देर आर मेनी थिंग्स जो कोज करती हैं हमारे लिए सफरिंग एंड पेन एक तो मलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ये एक्चुअल में क्या होती है थोड़ी सी हेटेड वाली फीलिंग होती है जेलसी वाली फीलिंग होती है डिसअपॉइंटमेंट जब हम निराश होते हैं दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग्स फिर उसके बाद होता है नोबल क्वालिटीज नोबल क्वालिटीज होती है अच्छी क्वालिटी का ना होना लोगों के बीच में फिर होता है अवर अनहेल्दी एंड इविल वेज ऑल्सो गिव बर्ट टू मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स ये सारी की सारी चीजें हमें हमेशा ट्रबल देती हैं पेन देती हैं दे डैम्पन अवर स्पिरिट एंड कवर आवर लाइफ विच सैडनेस वो हमारी स्पिरिट को आत्मा को थोड़ा सा नेगेटिविटी के साथ साथ हमारी जो सैडनेस का उसको भी जो है ना लाइफ को बढ़ा देती है अब चलते हैं क्वेश्चन थर्टीन के लिए व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स ऐसी क्या चीज है जो ह्यूमन बीइंग्स को बनाती है कि वो लव करें लाइफ को अपनी चाहे ट्रबल या सफरिंग चल ही रही है तो ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स एंड फेस बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी वी सराउंड उसका रीजन है ब्यूटीफुल थिंग की वजह से क्योंकि देखो पॉइंट ने एक ही बात बोली है सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिफुल थिंग सो दीज थिंग्स रिमूव अवर डिस्पोंडेंट स्टेट ये हमारी जो डिस्पोंडेंट स्टेट होती है थोड़े से हम सैड होते हैं उसको दूर कर देती है एंड अलाउ अस टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर और फिर हमें ये एक मौका देती है एक चांस देती है ताकि हम नेचर की ब्यूटी को इंजॉय कर सकें अब यहाँ क्वेश्चन फोर्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ कैन माइटी डेड बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी अब देखिए जो माइटी डेड है माइटी डेड का मतलब क्या होता है ऐसे लोग पावरफुल लोग जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी वो कैसे थिंग्स ऑफ ब्यूटी हो सकते हैं तो द माइटी डेड रेफर्स टू अवर ग्लोरियस फोर फादर्स हमारे जो बड़े बड़े फोर फादर्स हैं पूर्वज हैं एंड हैं हु आर अनदर थिंग ऑफ ब्यूटी दैट द पॉइंट जो उनकी इट्स मैंशंस जो पॉइंट ने मैंशन किया है सो दिस इज सो बिकॉज द स्टोरीज ऑफ दियर हैरोड्स उन्होंने जो uh, बहादुरी वाले काम किए हैं उनकी बहादुरी है या फिर मोसलियन और ये मोसलियम्स एक्चुअल में क्या होते हैं ये होती हैं उनकी जो टोम होती हैं बड़ी मैग्निफिस टूम कवर होती हैं जहां उनको दफन किया है पिलस विथ प्राइड एंड गिवन एस प्लेजर एंड मोटिवेशन और उन्होंने बिकॉज क्योंकि देखो उनको जब हम देखते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आती है बिकॉज जब आप कोई नेगेटिव चीज देखेंगे या जिसका कोई यूज नहीं है तो वो आपको कहीं से भी जो है इंस्पायर नहीं करेगी चीज़ लेकिन जब आप बहादुर लोगों के बारे में पढ़ते हैं उनके बारे में सुनते हैं तो यू ऑल्सो गेट इंस्पिरेशन और यू वॉन्ट टू तो बी लाइक दैम तो इसलिए पॉइंट कहता है कि वाकि उनकी लाइफ को देख के हमें भी अच्छा लगता है अब चलते हैं क्वेश्चन 15 के लिए it अब का है जो कभी मरता नहीं है मींस ऐसा ड्रिंक है जो कभी खत्म नहीं होता सो कीट्स कंसीडर्स नेचर्स ब्यूटी एज एन एनलेस फाउंटेन ऑफ इमोटल ड्रिंक कहते हैं कि देखो जो नेचर है ना वो एक्चुअल में या नेचर की ब्यूटी वो कभी ना खत्म होने वाला एक ड्रिंक है जो इमोटल है मीन्स कभी जिसकी डेथ नहीं हो सकती ही कॉल्स इट्स ड्रिंक इमोटल एज द प्लेजर एंड डिलाइट गिवन बाय इट नेवर डिमिनिशेस क्योंकि देखो इस ड्रिंक से जो हमें खुशी मिलती है हैप्पीनेस मिलती है वो कभी खत्म नहीं होती इट ओनली विद टाइम ये टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है ब्यूटी इज लाइक एन एलेक्सर ऑफ लाइफ एलेक्सर क्या होता है अमृत ब्यूटी हमारे लिए एक अमृत का काम करती है अमृत जैसे प्योर होता है उसकी एक अपनी एक शक्ति होती है वैसी ब्यूटीफुल थिंग की अपनी एक प्योरिटी है इसकी अपनी एक पावर है स्ट्रेंथ है शक्ति है राइट द मैसेज ऑफ द पॉइंट ऑफ ब्यूटी ऑफ ब्यूटी का अगर मैसेज देखिए तो क्या पॉइंट ने हमें दिया है सो जॉन कीट्स पुट्स फोर्थ अ अ मैसेज दैट ऑफ ब्यूटी इज पेरिनियल पेरिनियल जॉय फॉर अस जो कभी खत्म नहीं होता इट गिव्स अस पीस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स ये हमें ऐसी शांति देते हैं सपने एक ऐसी सपने देते हैं मीन्स जिसमें हम कहते हैं ना सोने से पहले स्वीट ड्रीम्स यानी आप आपको अच्छे सपने आए और नींद ऐसी आए जिसमें आपको हमेशा कंफर्ट रहे तो इन दिस वर्ल्ड वी सफर फ्रॉम जेलसी डिसअपॉइंटमेंट एंड लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज और देखो हमारे अंदर जो है ना ह्यूमन क्वालिटीज़ की कमी भी है हम डिसअपॉइंट भी जल्दी हो जाते हैं जेलसी यानी नफरत भी करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए सो दीज जेलसी वैसे घृणा होती है लाइक like, uh, हम कहते हैं ना जेलस जेलसमत हो जल मत लाइक सो दीज थिंग्स मेक अवर लाइफ ग्लोमी तो ये सब की सब नेगेटिविटी वाली चीजें हमारी लाइफ को ग्लोमी यानी सैड बनाती है तो कॉन्सिक्वेंटली विवलप इ विल सफरिंग एंड पेन हम कुछ खराब रास्ते भी चूज करते हैं जो हमारे लिए पेन और पीड़ा लेकर आते हैं बट मैन काइंड हैज अ होप लेकिन मैन काइंड की अपनी एक उम्मीद है नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विध इनिमरेबल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस लाइक द सन द मून द ट्रीज फ्लावर्स स्मॉल रिल्स फॉरेस्ट एंड मस्क्रोजेज ये सारे के सारे जो हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं जो हमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देते ही देते हैं एंड दीज आर दस्टेंट ट्रेजर्स ट्रेजर्स क्या होता है खजाना होता है एंड सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस भी हैं

इमोटल रिंग देता है मींस कभी ना खत्म होने वाला एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमारे लिए हमेशा रहा है तो ये तो, तो ये आपके लिए इनफैक्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा और साथ में एक्सप्लेनेशन की वीडियोज भी मैंने ऑलरेडी गिवन है तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा सो थैंक यू वेरी मच किसी भी तरह की कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और फ्री माइंड होकर आप बोलिए आप मैसेज कीजिए मैं आपका हर मैसेज का रिप्लाई दूंगा सो है वेरी नाइस डे